Hasheep Tech Present, please like and subscribe. हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू स्टेटस वीडियो को बनाएंगे। तो ये आपने देखा प्रीव्यू, कितना अमेजिंग वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस वीडियो को बनाना है, पूरा कंप्लीट बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सबसे पहले आपको अलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अलाइट मोशन में आ जाना और प्लस पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट को मतलब क्रिएट करना है 4:5 के साइज़ में, जो कि अलाइट मोशन में आपको यहाँ पे थर्ड नंबर पे दिखाई देगा। क्रिएट प्रोजेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है, जो भी फोल्डर में आपका फोटो है अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है। फोटो एड करके 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया करना है, शेयर का आइकन पर क्लिक करके करंट फ्रेम एज पेंज को सिलेक्ट करके स्पॉट पर क्लिक करना है, फोटो को सेव करना है, फिर इस फोटो को डिलीट करना है, प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, नेक्स्ट फोटो को ऐड करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, शेयर का आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एज पेंज को सिलेक्ट करके स्पॉट पे क्लिक करना है, फोटो को सेव करना है। तो इसी साइज़ में आपको अपनी फोटो क्रॉप करना है, 14 यानी कि 14 फोटो को आपको यहाँ पर क्रॉप करके सेव कर लेना है। ओके, फिर यहाँ से आप बैक आ जाना। देखो, अगर आप इंस्टाग्राम से फोटो डाउनलोड करते हैं तो वो उसी साइज़ में रहता है, पहले से ही रहता है, तो आपको क्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आपके उस साइज़ में अगर आपका फोटो नहीं है तो आप क्रॉप कर लेना 14 इमेज को। ओके, फिर आपको बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होता है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, बिटमार डाउनलोड कैसे करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को वॉच करना। वो एडिटिंग वीडियो है, लेकिन उसके प्रीव्यू के बाद मैंने मतलब उस वीडियो में प्रीव्यू के बाद मैंने बताया कि कैसे आपको बिटमार डाउनलोड करना है। ओके, तो अब जो बिटमार में आपको आ जाना है और स्लाइड करके यहाँ पर नीचे आना है। ओके, सो फिर नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे जो सबसे नीचे में यहाँ पे लेयर दिखाई दे रहा है, स्क्रीन शॉट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया नोट फाउंड पे क्लिक करना है, अपना पहला फोटो को सिलेक्ट करना है और ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। ओके, एंड फिर सिलेक्ट करके आगे जाना है। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो आगे जाना है, और आगे जाने के बाद इस प्रकार से आपको फोटो चेंज करना है। कहाँ पर पहले आपको देखो यहाँ पर आगे जाना है, तो यहाँ पे फिलहाल हमारा फोटो चेंज नहीं होगा, आपका फोटो डायरेक्ट यहाँ पे चेंज होगा 10 सेकंड पे। 10 सेकंड पे आ जाना, ऊपर चले जाना इस प्रकार से। तो ये लिरिक्स जो आप देख सकते हो, ये जो लिरिक्स है हो बोला, ये शो नहीं हो रहा है, तो इसके में क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना है लिरिक्स पे, और कलर एंड फिल पे क्लिक करके सिर्फ आपको कलर वाला आइकन पर क्लिक कर देना इस प्रकार से। अगर जो लिरिक्स शो नहीं होता तो वो इसी प्रकार से आप करना, तो इस प्रकार से हो जाता है। ओके, फिर आपको स्लाइड करके आगे जाना है, और यहाँ पे देखो 10 सेकंड पे ऊपर आना है, यहाँ पे लिखा हुआ स्क्रीन शॉट दिखाई दे रहा है, ये जो स्क्रीन शॉट वाला लेयर है इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया नोट फाउंड पे क्लिक करना है, सेकंड फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है जो कि स्क्रीन शॉट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया नोट फाउंड पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है, फिर सिलेक्ट करके आगे जाना है, और यहाँ पे 13 सेकंड पर फिर से एक लेयर है, स्क्रीन शॉट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पर क्लिक करके मीडिया नोट फाउंड पे क्लिक करना है, नेक्स्ट फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपको जो है अपनी फोटो को ऐड करते रहना है, बस इतना ध्यान रखना कि आपको सभी लेयर्स में अलग अलग फोटो ऐड करना है। ओके, जैसे कि आप लोग दे सकते हो। ओके, तो अगर लिरिक्स शो नहीं होता है तो आप वही करना जो मैंने आपको बताया, सब इधर फिलहाल तो सभी लिरिक्स शो हो रहा है अच्छे से। फिर सिलेक्ट करके आगे जाएंगे, और यहाँ पे 19 सेकंड पे एक लेयर है, इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया नोट फाउंड पे क्लिक करना है, नेक्स्ट फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है, फिर स्लाइड करके आगे जाना है, और 21 सेकंड पे आ जाना है, ऊपर आना है आपको। ओके, और यहाँ पे जो यहाँ पे देखो इस प्रकार से ग्रुप है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारा शेप और यहाँ पे ग्रुप भी है, तो आपको क्या करना है, सबसे नीचे में जो लेयर दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। ओके, स्क्रीनशॉट लिखा हुआ है इसमें, कलर एंड फिल पर क्लिक करके मीडिया नोट फाउंड पर क्लिक करना है, फिर से आपको अपना नेक्स्ट फोटो को स्लाइड करके ऊपर प्लस पर क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हो इस प्रकार से एक ही फोटो एड करना है, फिर स्लाइड करके आगे जाना है, 24 सेकंड पर आ जाना है, ऊपर आना है, और यहाँ पर इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लिखा हुआ है, तो इन सभी लेयर्स में फिर आपको अपनी फोटो को ऐड करना है। तो ध्यान देना कि सभी लेयर्स में हम यहाँ पे अलग अलग फोटो ऐड कर रहे हैं। ओके, तो इसी प्रकार से आपको जो ऐड करना है, लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया नोट फाउंड पे क्लिक करना है, फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है।
इस प्रकार से। ओके, तो मैं इन दोनों फ़ोटो को यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, बिकॉज ये सब फ़ोटो मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से आपको ऐड करना है। फिर यहाँ पे सर्कल लिखा हुआ है, इस पे सर्कल पे क्लिक कर देना है। कलर एंड फिल पे क्लिक करके कलर पे क्लिक कर देना, सॉरी गाइस कलर पे नहीं क्लिक करना है आपको, सिंपली इस पे क्लिक करके इस वाले आइकन पे क्लिक प्लेस ये रहेगा। कलर एंड फिल पे क्लिक करके यहाँ पे अपना फोटो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे फोटो ऐड होता है तो फोटो ऐड कर लेंगे, फोटो ऐड हो रहा है जैसे कि आप लोग, तो फोटो ऐड कर लेंगे इस प्रकार से। ओके, फिर यहाँ पे सर्कल वाले में भी हम फोटो ऐड किया है, इतना ध्यान रखना। एंड फिर नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करके कलर एंड फिल पे क्लिक करेंगे, मीडियम और फाउंड पे क्लिक करके फोटो सेलेक्ट करेंगे, ऊपर प्लस पे क्लिक कर देंगे इस प्रकार से। तो जितना भी स्क्रीनशॉट हो रहा है यहाँ पे, जितना भी मतलब लेयर में स्क्रीनशॉट लिखा हुआ है, सभी में फोटो ऐड कर रहे हैं। और जो सर्कल जिसमें लिखा हुआ है उसमें भी मैंने फोटो ऐड किया है, तो अब भी ऐड कर लेना है इस प्रकार से। फिर सेलेक्ट करके आगे जाना है और यहाँ पे 33 सेकेंड पे इसमें फ़ोटो ऐड करना है, जैसे कि आप लोग दे सकते हो। ओके, एंड फिर इस प्रकार से उसके आगे एक लेयर इसमें भी आपको ऐड करना है। तो जितना भी लेयर है सर्कल जिसमें स्क्रीनशॉट लिखा हुआ है, उन सभी लेयर्स में आप अपना फ़ोटो ऐड करना। तो सभी लेयर्स में हम अलग अलग फ़ोटो ऐड करेंगे, बाकी इस प्रकार से आपकी जो वीडियो कंप्लीट बन जाएगी। फिर आपको ऊपर शेयर का आइकन पे क्लिक करना है और अपनी वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। अगर 1080p में आपका वीडियो एक्सपोर्ट होता है, लैग करता है या फिर एक्सपोर्ट होने में प्रॉब्लम होता है, तो आप 720p में करके ट्राई कर सकते हो। ओके, तो आप मेरे को कमेंट में मत बोलना कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो 720p में ट्राई करके देख लेना। ओके, तो ज़रूर होगा। ओके, तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।